दिन की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई है। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों को। आज सैटरडे है और आज कुछ कुछ करने का प्लान है। क्या करने का प्लान है मुझे भी नहीं पता। अनप्लान सैटरडे जो एज यूजुअल हमेशा होता है वो आज भी आ गया, बट मैंने सोचा कि आज इस अनप्लान सैटरडे में एक ब्लॉग बना दिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज कोशिश करता हूँ कि सैटरडे को बाहर जाऊँ, हालांकि मैं रोज़ बाहर ही लगभग नाश्ता कर रहा हूँ और रात में भी खा रहा हूँ, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बाहर जाके क्या खाता हूँ। तो अभी कोशिश करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, कचौड़ी खाऊंगा। तो रमन के साथ मैं जाने वाला हूँ। रमन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो रमन मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं जाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहें और सैटरडे को क्या क्या मैं करता हूँ इस ब्लॉग में मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो अभी मैं रमन के यहाँ जा रहा हूँ, रमन के यहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। रमन के घर में पहुँच चुका हूँ, अभी वेटिंग गेम चल रहा है। वो अपने घर में है, ये उसका घर है। तो अभी वो अपने घर में है, मैं भी वॉशरूम में था, अभी उसे मैंने कॉल किया, वो 5 मिनट में आ रहा है। तो वो आएगा तो फिर हम लोग आगे निकलते हैं। अभी मैं चाह के भी मोटो ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ इस नॉर्मल ब्लॉगिंग वीडियो के साथ, क्योंकि अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो मेरे पास DJI Osmo का जो कैमरा है, एक्शन कैमरा है, उसमें SD कार्ड लगता है, बट मैं अभी आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें SD कार्ड लगता नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मैं दोनों वीडियो को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी रमन आ चुका है 1 घंटे के इंतजार के बाद। As usual हम लोग अब निकलते हैं, ये चलिए चलते चलते। तो अभी हम लोग देवघर में एक नया फ्लाईओवर बना है, उस फ्लाईओवर से होते हुए जाएंगे और आपको फ्लाईओवर दिखाएंगे। तो अभी हम लोग फ्लाईओवर में चढ़ चुके हैं। हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, चाय पियेंगे, कचौड़ी खाएंगे। तो पहले कचौड़ी ही खा लिया जाएगा, उसके बाद चाय पी लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट देवघर में बना है, काफ़ी शानदार है। और ले लिया जाएगा, रमन बोल रहा है कि इसमें अशोक रेसिडेंस का फ्लैट ले लिया जाएगा। तो देवघर में भी अब फ्लैट्स बन रहे हैं, बिक रहे हैं, ज़मीन खरीदने से अच्छा फ्लैट लेना ही पसंद आ रहा है। पता नहीं हम लोग ज़मीन या फ्लैट कुछ भी ले पाएंगे। एक कुंडा मोड़ है, हम लोग कुंडा मोड़ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे रुक के कचौड़ी खाएंगे और कचौड़ी खाने के बाद चाय पीने जाएंगे। तो कचौड़ी खाने आए हुए हम लोग, तो कचौड़ी लाने गया है रमन, देख सकते हैं कि हमारा कचौड़ी सब्जी आ चुका है, बहुत सही है। क्या जी, इतना टेस्टी।
देखिए कचौड़ी डब्बा में डालना शुरू कर दिया है। और ये ना प्लास्टिक में लग गई, अभी तो निकल ही गए रास्ते में, मजा आ गया, मज़ेदार तो है। हमको लग रहा है ब्लॉगिंग थोड़ा देर के लिए रोकना पड़ेगा क्योंकि हमको पानी आ रहा है मुंह में। भाई पकड़िए इसको। कचौड़ी तो खा लिए, खा के पूरा मज़ा आ गया, स्पाइसी एकदम मिर्चा के साथ। अंकल को घुमा था, गर्मा गर्म कचौड़ी, कहाँ पे दुकान है भैया आपका? कुंडा मोड़। ये भैया मस्त कचौड़ी बनाते हैं, तृप्त हो जाइए, आइए जरूर यहाँ खाने कचौड़ी। ये की सब्जी भी मसालेदार एकदम मस्त है, साथ में जो मिर्ची है ना। पाड़े चाय दुकान पहुंच चुके हम लोग, यहाँ चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद यहाँ से वापस लौटेंगे। यहाँ का चाय तो बहुत पॉपुलर है। यहाँ के चाय के बारे में एक ब्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो देख सकते हैं कितना भीड़ है। चाय ले ली है हम लोग, यहाँ का चाय काफी अच्छा है। अरे चाय अच्छा है, चाय तो हम भी नहीं पीते हैं, लेकिन अच्छा चाय तो पी रहे हैं, क्या है कि नहीं दोस्तों?